आजादी की अनसुनी कहानियों की श्रृंखला में आज धे आईएस लाया है आपके लिए एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हमारी इस नई आजादी विशेष श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की खासियत यह थी कि इसने सामाजिक क्रांति का भी आधार रख दिया था। एक मूक क्रांति सा आंदोलन जिसने समाज के हाशिए पर स्थित वर्गों की भूमिका को भी आजादी में केंद्रीय बना दिया। और खासकर महिला आंदोलनकारियों की चर्चा किए बिना राष्ट्रीय आंदोलन की उपलब्धियां अधूरी ही रह जाएंगी। आज ऐसे ही एक गुमनाम महिला आंदोलनकारी का जिक्र करने जा रहा हूं। बात हो रही है तारा रानी श्रीवास्तव की। कम उम्र में स्वतंत्रता सेनानी फुलेंद्र बाबू के साथ उनका विवाह हो गया। घरेलू भूमिका के साथ साथ तारा रानी देश के हालात को लेकर काफी जागरूक थी। जल्द ही उन्होंने भी पति के साथ आजादी की लड़ाई में अपनी भागीदारी बढ़ानी शुरू कर दी। अपने साथ अन्य महिलाओं को भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। 1942 के प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेंद्र बाबू ने सारण पुलिस थाने में तिरंगा फहराने की योजना बनाई। इस योजना में तारा रानी की भी मुख्य भूमिका थी। तय दिन पर जुलूस निकल पड़ा मंजिल की ओर, पर अंग्रेजी हुकूमत भी अपनी बर्बरता के लिए तैयार थी। आंदोलनकारियों पर थाने के निकट गोलियों की बौछार शुरू हो गई और एक गोली फुलेंद्र बाबू को छलनी कर गई। घायल पति को देखकर एक पल के लिए तारा रानी विचलित हुई, अपने आंचल का एक दुपट्टा फाड़कर पति के जख्म को ढक दिया, फिर एक सुरक्षित जगह पर पति को ले गईं। पर उनके साहस को देखिए, पति के अधूरे काम को छोड़ा नहीं, सो फिर वापस लौटी, तिरंगा उठाया और थाने की ओर चल पड़ी। आंदोलनकारी बस चकित थे उनके संकल्प की साहस को देखकर, और अंततः अभियान पूरा हुआ। थाने पर तिरंगा लहरा उठा। तारा रानी जब वापस लौटी तब उनके पति की सांसें रुक चुकी थीं। ऐसी वीरांगना को शत शत नमन।